हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को संकलित किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आज हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे इसका सोल्यूशन होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है रैन, आर ए आई एन दिया गया है, आर ए आई एन, इसको क्या लिखा गया, 45 लिखा गया। ठीक है दोस्तों, गुड को क्या लिखा गया, 44। ठीक है, गुड को 44 लिखा गया है। डी आर ओ पी को आपको, डी आर ओ पी का आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कि ए आर ए आई एन को क्या कैसे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आर ए आई एन, आर ए आई एन को 45 कैसे लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो होता है, आपको, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे एक ट्रिक बनाया गया है दोस्तों। ट्रिक मैंने बनाया है कि कोड भाषा में इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ए का एक होता है, बी का दो होता है, इसी तरीके से पूरा ए टू जेड का हमने बनाया है, वहाँ पे बताया है ट्रिक के तरीके से, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया है। वहाँ पे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले आर का क्या होता है। आर का होता है 18। ठीक है दोस्तों, आर का होता है 18। ए का क्या होता है, ए का होता है 1, और आई का क्या होता है, 9। आई का 9 होता है। एन का क्या होता है आपका, एन का होता है 14। ठीक है दोस्तों, एन का होता है 14। यहाँ पे सभी को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 8 1 9 9 9 18 4 22। ठीक है दोस्तों, 22 हो गया, 1 1 2, दो कितना हो गया, 2 आपके पास पहले क्वेरी था, उसको ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है 45, तो इसमें कितना कम है, +3 ऐड कर देते हैं दोस्तों, 45। ठीक है दोस्तों, 45 आपका हो गया। और फिर दूसरा गुड का देख लेते हैं, गुड का क्या लिखा गया था दोस्तों, गुड का लिखा गया था आपका, गुड का लिखा गया था 44। क्या लिखा गया था, 44। इसको कैसे लिखा गया था 44 दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जी का कितना होता है, जी का होता है आपका 6। ओ का क्या होता है, 15 होता है, और फिर ओ है आपका, फिर 15 हो गया दोस्तों, फिर डी का क्या होता है, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जी का जो होता है आपका 7 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 होता है, सभी को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 7 4 11 11 30, कितना हो जाएगा, 11 7 4 11 और 11 30 कितना हो गया, 41। और यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 44, यहाँ पे भी +3 कर देंगे तो आपका कितना हो गया, 44 हो गया। इसी तरीके से हम डी आर ओ पी का देख लेते हैं दोस्तों, किसका देख लेते हैं, डी आर ओ पी का, डी आर ओ पी का देख लेते हैं, इसका कैसे लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पे डी का आपका कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। आर का क्या होता है, 18 होता है, प्लस आपका ओ का क्या होता है, 15 होता है, पी का क्या होता है, 16 होता है। सभी को ऐड कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 18 4 22 22 22 22 10, ये जब वो पूरा टोटल कर लेंगे तो 16 4 20 20 10 30 30 10 40 40, और 13 कितना हो जाएगा आपका, 53 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 3 और कितना है, 1 1 1, कितना हो गया, 1 2 3 3 आपके पास क्वेरी था, 2, फिर हो गया आपका 53। ठीक है दोस्तों, 53 + 3 कितना हो गया, 56। ठीक है दोस्तों, 56 हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है आपका 53 है, एक एक 56 है, और एक 55 है, और एक 63 है दोस्तों। यहाँ पे कितना आया था, 56 आया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है आरंभ का अंत होता है दिन का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आरंभ का संबंध जिस प्रकार अंत से है, उसी प्रकार दिन का क्या किससे होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है गोधूल, ऊष्माकाल,
रात्रि और दोपहर दिया गया है। तो आरंभ का, जैसे हम कोई चीज़ किसी काम को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका अंत जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आदमी का जन्म होता है तो उसका अंत होता है, ठीक है दोस्तों। आदमी का जन्म होता है तो अंत होता है, तो दिन हो, दिन जब होता है तो रात्रि तो जरूर होगी, ठीक है दोस्तों। जब दिन हुआ है तो रात्रि होगी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 15, 19 प्लस 4, फिर हैश बना है, ऐसे हैश बना है आपका, फिर 5 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका लिखा गया है 39, ठीक है दोस्तों, 39 लिखा गया है। और फिर यहाँ पे लिखा गया है 21 हैश प्लस 6 इज इक्वल टू 111 लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, 111 लिखा गया है। और आपसे पूछा गया है 11 प्लस 15 हैश 5, यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले ये किस कूट भाषा में लिखे गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिएगा। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया है ये, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 19 प्लस 4 हैज 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हैज का जो है दोस्तों, अगर हम गुड़े में हैज के चिन्ह को गुड़े में परिवर्तित कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा 15 चौक 20 19 39 29 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 प्लस 4 गुड़े 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौक 20 20 10 30 30 9 29, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 29। और 21 यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है 21 हैज 5 प्लस 6, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 21 गुड़े 5 प्लस 6 कर लेंगे, तो यहाँ पे सभी को ऐड कर लेंगे, 21 पंचे 105 प्लस 6 111 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम जो हमारे हमसे पूछा गया है वो उसको कर लेते हैं, 11 प्लस 15 हैज 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा, तो 11 प्लस 15 गुड़े 5 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 15 पचे 75 75, और 11 कितना हो गया आपका, 86, कितना हो गया, 86, ठीक है दोस्तों। 15 पचे 75 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 15 11 प्लस 75 1 5 1 6 8 7 1 8, आपका ये सही है। ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 11 का क्या लिखा गया, 121, तो 13 का क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13 का आपसे पूछा गया है, 11 का 121, 11 किस प्रकार से 121 से संबंध रखता है और 13 का किस प्रकार, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ये किससे संबंध रखता है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर 121 का देख लेते हैं संबंध किस प्रकार है, तो 11 का वर्ग जो होता है, 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है दोस्तों, 11 का वर्ग 121 है, तो 13 का वर्ग ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर 13 का वर्ग है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 का वर्ग क्या होता है, 169, क्या हो जाता है, 169, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए 169 इसका सही आंसर है। और ये किसका है, 14 का वर्ग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो 11 का है, ये आपका 12 का वर्ग है, ठीक है दोस्तों, 12 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया आपका, AF लिखा गया है, और CH लिखा गया है, EJ लिखा गया है, GL लिखा गया है, और आपसे आगे पूछा गया है कि क्या होगा आगे, इसी क्रम में आपका क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे यही पूछा गया कि आगे क्रम में क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, एक है IL, LO, VE और IN, ठीक है दोस्तों, IN इसका सही है, IN जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों फटाफट कैसे किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे A लिखा गया है, फिर B नहीं लिखा गया है, C लिखा गया है, B छोड़ के लिखा गया है, एक को छोड़ करके एक लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, C को छोड़ करके E लिखा गया है, D, C के बाद D छोड़ करके E लिखा गया है, E के बाद अब छोड़ के G लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में हम देख लेंगे, तो फिर G के बाद क्या आता है, H, H के बाद क्या आता है, I, I लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर देख लेते हैं F लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे F लिखा गया है, F के बाद F, G को छोड़ करके H लिखा गया है दोस्तों, H के बाद I आता है, I के छोड़ करके J लिखा गया है, J के बाद क्या आता है आपका, J के बाद K आता है, K को छोड़ दिया गया है, L लिखा गया है, L के बाद M आता है, M छोड़ दिया गया है, N लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगला जो आपका इस क्रम में होगा ये होगा IN, क्या होगा,
IN, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला जो है हमारा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नए ट्रिक मिलेगी, आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया वन, एक त्रिभुज बना है वहाँ पे ऊपर में लिखा गया वन, फिर टू, यहाँ पे थ्री, अंदर में क्या लिखा गया वन फोर, वन फोर फोर्टीन लिखा गया है। और यहाँ पे दूसरा जो बना है त्रिभुज, यहाँ पे तीन चार और एक लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 26 लिखा गया, और यहाँ पे पाँच लिखा गया है दोस्तों, पाँच एक और दो, और आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उसी के क्रम में यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं हम लोग ये कैसे लिखा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो क्या हो गया आपका दो तीन, दो तीन कितना हो गया पाँच, एक छः, चौदह नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। वर्ग करके देखते हैं, यहाँ पे वर्ग कर लेंगे तो दो का वर्ग कितना होता है चार, प्लस तीन का वर्ग होता है नौ, एक का तो एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया आपका 14, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वर्ग करके ही लिखा गया है दोस्तों। तो दूसरे का भी देख लेते हैं इसी तरीके से, तीन का नौ होता है और चार का कितना होता है आपका 16 होता है, एक का एक ही होता है, ठीक है दोस्तों, एक का एक ही होता है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 26 हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से जो हमसे पूछा गया है, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, पाँच का कितना होता है आपका, ये होता है पाँच का 25 होता है, प्लस दो का कितना होता है चार होता है, एक का एक ही होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर सही हो जाएगा 30 सही हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 30 दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है आपका, लिखा गया है 14L7A2 = 49, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया 49, यहाँ पे इसको यहाँ पे यल और ए का अगर हम चिन्ह बना लेंगे, जैसे प्लस माइनस हो गया, गुड़े भाग जोड़ घटाओ गुड़ा भाग, जो भी अगर हम यहाँ पे सिंबल बना लेंगे, कौन सा सिंबल यहाँ पे सटीक होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम गुड़े और भाग का सिंबल कर लेते हैं, यल की जगह पे हम कर लेते हैं गुड़े का निशान, ठीक है दोस्तों, गुड़े का सिंबल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिवाइड का निशान करेंगे ए की जगह पे, तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि साथ नहीं कटता है दो से, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। तो हम लोग इसको यल को क्या लिखते हैं गुड़े के निशान में, और आई ए को क्या लिखते हैं भाग, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 14 गुड़े 7 भागे 2, 14 × 7 = 98 भागे 2 यानी कि 49 आपका हो गया, ठीक है दोस्तों, 49 आपका हो गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला जो दिया गया है आपका, ये दिया गया 18, यल के हम लोगों ने क्या लिखा है गुड़े 4 गुड़े प्लस ओ सॉरी दोस्तों भागे 2, क्या लिखा गया है 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 36 यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 15 यल और फिर क्या लिखा गया आपका 15 गुड़े एल का गुड़ा लिखा गया है 5, फिर आपका क्या लिखा गया है ए 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा 15 × 6 = 75 भागे 3, 75 × 3 आपका क्या हो जाएगा 25 कौन सा है 25 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए 25, 25 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, 17 का लिखा गया 290 और 11 का क्या लिखा जाएगा, आपसे यही पूछा गया है कि 11 का क्या लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 17 का 290 कैसे लिखा गया है, 17 का अगर वर्ग कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 17 का वर्ग कर लेंगे तो 17 का वर्ग क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है दोस्तों, 289 + 1 = 290, यहाँ पे 290 हो गया दोस्तों। फिर इसी तरीके से 11 का देख लेंगे, 11 का वर्ग तो दोस्तों सभी को पता ही होगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वर्ग और घन कुछ तो कॉमन होता ही है जिसका आपको पता रखना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं 11 का कितना हो जाता है, 11 का होता है आपका वर्ग
ये होता है आपका 121 होता है, प्लस वन कर देंगे दोस्तों, क्योंकि प्लस वन 17 में 17 का वर्ग करके प्लस वन किया गया है। उसी प्रकार से हम जैसे आगे हम जैसे जो नियम आगे फॉलो कर रहा है उसी तरीके से हम भी करके आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, आगे का जो हमसे पूछा गया है उसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कर देंगे 122, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 122, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका लिखा गया है 14, फिर ये हैश बना है, फिर 13 लिखा गया, ठीक है दोस्तों, 13 लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों। अगर हम लोग देख लेंगे, अगर क्रम क्रम एक एक करके जोड़ लेंगे तभी 9 होगा, और वैसे तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आपका अगर माइनस करेंगे तो, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों गुणे का निशान कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भाग कर देंगे तो पॉइंट में आएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिखा गया 1+4 लिख लेते हैं दोस्तों, 1+4+1+3 यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 1, 1, 2, 4, 6, 3, 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये हो गया आपका, उसी तरीके से देख लेते हैं 2+7+3+6 आपका हो गया 18। तो इसी तरीके से जो हमसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है 4, 6 और हैश बना है, फिर 3 और 1 लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, 3 और 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर जो इसको देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4+6+3+1 कर देते हैं दोस्तों, तो फिर यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13, 1, 14, सही आंसर क्या होगा आपका 14, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्रम में आपको सजाना है, ठीक है दोस्तों, क्रम में सजाना है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ऐसे आपको 5 सेंटेंस दे दिया जाएगा वहाँ पे आप लोग, यहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये हो जाता है कि हम लोग इसको कौन सा पॉजिटिव, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ING वहाँ पे ढूंढने लगते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये कतई गलती नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, कतई गलती ये नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे हम देख लेंगे क्रम में इसको किस क्रम में लिखा गया है, यहाँ पे क्रम आपसे पूछा जाता है दोस्तों, क्रम में जैसे GROWN ये लिखा गया आपका, GROWN, GRAPE लिखा गया, ठीक है दोस्तों, GRIND GETURE, GENTIE, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिर पहले देख लेते हैं तो जी तो सभी में कॉमन है, 5ों में जी कॉमन है, फिर आर देख लेते हैं दोस्तों, आर सबसे पहले क्या आएगा, आर के पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई 2 में है, फिर यहाँ पे है यस, यस के पहले क्या आएगा, यन आपका आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यन आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 5, क्रम में पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद क्या आता है, यन, यन के बाद क्या आएगा, आर तो लास्ट में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे यस है, दूसरे नंबर पे ई है, तो इसी क्रम में हम यहाँ पे करेंगे पहले 4, ठीक है दोस्तों, इस क्रम में हमारा 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर क्या आ गया आपका, GR, GR और GR यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा GR, तो तीनों में GR कॉमन है, तीनों में GR कॉमन है, फिर यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे I है, O A I में सबसे पहले आपका कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका A, A पहले आता है एक, तो सबसे पहला वर्ड है आपका A आ गया, आपका 2 हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद O तो लास्ट में आएगा, I उसके पहले आएगा, I आपका 3 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया, फिर यहाँ पे पहला जो है लास्ट में आ गया आपका, यही सही आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों, 5, 4, 2, 3, 1 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह की रेगुलर वीडियो के लिए और जो भी अपडेट रहते हैं वो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।